और भुजे रात कुमार ने देख भी लिया। अरे अब तो 100% नहीं, तू
नहीं यार, गलती हो गई। हम इधर उधर छोड़ो, हम यहाँ से चाचा बाबा तुम मेरे रास्ते खड़े खड़े गोली मार दूंगा। हाँ भैया, कौन सवार है? मैं तुझको अपना नौकर नहीं बल्कि जाए, यानी कि छोटा भाई। कोई ऐसा दिमाग निकाल छोटा भाई, ताकि डैडी से मार खाने से बच जाऊं। तुम बच जाइयो, तुम अपने आप का गोली मार बच जाइयो। ऐ साले बचाने की बचा ना। अगर हवा कहा करो तो बच गई हो। तेरी बात को डैड मान लेते हैं। हाँ क्या चीज तो है, लेकिन जितना हम कहीं वो तो नहीं करो तो समझो बच गए हो फांसी से। जितना काम करो दिखवा का गोली मार के आए हो, डैडी से बता दियो चल के हमसे खून हो गया। सारी बात सही सही बात। अबे ऐसा बताऊंगा तो एक बार की चौड़ी बात बनेंगे। नीचे वाला जूता चप्पल मानते हो। अरे तुम मुझसे छोटा है यार। हाँ समझ रहे हैं। चल ठीक है, बात और है। जैसे ठाकुर साहब मुंडी लगवा दी तीन थप्पड़ मार से सिंह के, तो हम मार दे तो तुम मारेगा साले। अरे ये समय जानते हो फिर। चल ठीक है, चल जल्दी बताते हैं। चल आ बेटा, चल चोली लाल लाल भाई, सब काम हो रहा है। तो हो रहा है, भगवान की कृपा से। अच्छा सब काम हो रहा है। तुमको इस रिवाल्वर की क्या जरूरत है? मैंने गोली मार दिया। ये सरोज का नाम भूली है बाबू। ये सरोज का नाम भूली है, सरोज का भुजा के चबई है। एक बात बता, जब उस दिन मैंने तुझसे कहा था कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखना, तो तू सरोज के घर क्यों गया? अरे डैडी वो बहुत अच्छी लड़की है ना डैडी। मतलब जो लड़की अच्छी हो तो उसके घर में घुस जाओगे? मैं तो तंग आ गया ऐसी आवाज से। ये नाम रोशन कर रहा है, तुमने कुआं में गिर के मर जाओ जाए साले। जनता परेशान नेता से, और हम जैसा बाप परेशान ऐसे बेटा से। मालिक जनता परेशान नेता से, आप परेशान बेटा से।
सुरेश सिंह कौन करते हैं, किसी ने देखा तो नहीं? देखा दादी? किसने देखा है? वो विजय राजकुमार ने दादी। विजय राजकुमार ने तुझे खून करते हुए देखा है? कहाँ दादी? तब तो तू नहीं बचेगा, क्योंकि अगर एक बार राजकुमार विजय ने अपने भाई को बता दी तो महाराज अजय सिंह तुम्हें सीधे फांसी दे देंगे। दादी, मेरी फांसी होगी? तुम्हारी धन तो किसका लाई डैडी? मुझे बचाना था। आ जा। धन दौलत के चक्कर में पड़े थे, बताओ बाबू क्या करी हो? धन दौलत का जवाब खाने। एक तो साले मेरा खून जल रहा है। बड़ा जी कम पता नहीं या बड़ा वादी जी। अब तो कोई नहीं बचा सकता। अभी का शादी करो। दादी, बाबू क्या है? बचा लिए बाबू। क्यों बचा लिए बाबू? लौटा आप गए अब नहीं कहा साले गांव समाज क्या है? तरकीब निकालो शेर सिंह। दादी, अब तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, तुम ऐसा करो कुछ दिनों के लिए बॉम्बे चले जाओ। दादी, मैं उतने दूर जाऊंगा? हाँ, मेरी सरोज का क्या बता दे? भैया हाथ में मरी गए हो जैसे। अब इसको अपने जान की नहीं लगी, उस दो टकी सरोज के पीछे। और बॉम्बे के लिए निकल जाओ। जैसे सिंह को ले जाओ और ले जाकर टिकट कटवा से बॉम्बे भेज दो। डैडी, हाँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरी शादी करा दो, तेरी मेहनत आज। अरे जब तू ही नहीं रहेगा तो शादी किसे करवा दूंगा? अरे अमिता भैया का ले जाए, चलो तुमका स्टेशन पर ले चली, स्टेशन पर टिकट कटाई। टिकट कटाए के तुमका रेल पर बैठाई। रेल पर बैठाई, सरकार से कही भैया का रेल दियो। अरे रेल पे बैठ के चला जाए भैया को रेल। अरे ले जाए तभी तो ना बकवास करता। राजकुमार विजय अपने भाई को सच्चाई बताए, मैं चलकर रानी साहिबा से ऐसी आग लगाता हूँ कि उसी आग में राजकुमार विजय का सारा परिवार जलेगा। बाबू, ये के बारे में सोचो नहीं तो काम गड़बड़ा गई। मैंने सब कुछ सोच लिया, आओ हमारे साथ। Yeah.
रानी साहिबा, अगर ईश्वर चाहते महाराजा ने सिंह को मार दिया तो सारे राज्य में बगावत फैल जाएगी। काम वो करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न पड़े। जहर, खूनी जहर। जहर क्या होगा? ये वो जहर है रानी साहिबा कि जिसके गले के नीचे उतर जाए वो इंसान कभी बच नहीं सकता। अगर तुम इस शहर को किसी तरीके से महाराजा जय सिंह को खिलाओ तो किसी को शक भी नहीं होगा और महाराजा जय सिंह का राम नाम सत्य हो जाएगा। किसे कहते हैं खूनी जहर? हाँ। ए मंत्री जी, किसे लेकर जाती हूँ? खाना मिलाकर अपने पति को इतने प्यार से खिलाऊंगी उन्हें कभी एहसास नहीं होगा खाने क्या और क्या नहीं। अभी आ रही इसीलिए तो कहते हैं कि जय रघुनंदन जय घनश्याम और मिली तो मिली नहीं जय सियाराम। ये बताओ तुम लोगों ने हमारी तारा को कहीं देखा ही है? हाँ, महारानी आज मेरे बड़ों के घर का खाना बना रही। अच्छा, और क्या? चलो उनके आने का इंतजार। पांच नंबर का मेरे। चलो ठीक है, आने का इंतजार। तुमने खाना खाया? अरे जरा सोचो, जब आप नहीं खाना खाए तो कैसे मैं खा लेती? सच कहती हो तुम। भारतीय नारियों में सिर्फ यही कमी होती है कि जब तक अपने पति को खाना नहीं खिला देती खुद भूखी रहती है। और क्या? लेकिन तारा, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए आज सबसे पहले मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इसीलिए मैं भी तो कहता हूँ आज तुम भी हमारे साथ खाओगी। नहीं नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं तारा, खा लो ना। मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। जिद नहीं करते। कहती ना मुझे भूख नहीं है। खा लो तारा। एक तारा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो कि जैसे मैं तुम्हें खाना नहीं बल्कि जहर खिलाने जा रहा हूं। बातें करती हैं आप। लेकिन तारा, हम तो तुमसे इतना मोहब्बत करते हैं कि अगर तुम हमें प्यार से जहर भी खिलाओ तो मैं उसको भी खा जाऊं। खा लो तारा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। तुम्हें मेरी कसम है तारा, खा। मुझे भूख नहीं है। मेरे मन में
कभी भी तुम्हें घोलने का ख्याल आया तो ये समझो वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कहा किस दिन भूला
भैया यही पास हो गए। ठीक है, आप भैया को लगा दिया और उसके बाद भैया से बात।